नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। दोस्तों हमने RPF और SSC के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है और आज हम आपके लिए GK का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हमने 30 क्वेश्चन रखे हैं। मोस्ट यूवे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अब आप लोगों से वर्दी दूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार जो कैंडिडेट RPF और SSC के एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट। मोस्ट यूवे क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। 5 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए। भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लीजिए, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया, मोस्ट यूवे क्वेश्चन है। भागीरथी नदी पर किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो मैंने 32nd नंबर बताया, फिर और 33rd बताया है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में और मोस्ट यूवे क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा है, बताइए। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, जी हाँ दोस्तों, कौन है। उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग कितना है, बताइए। मोस्ट यूवी क्वेश्चन है दोस्तों, कितना है, 70% है। मोस्ट यूवी क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है, कौन सा है दोस्तों। पल्लव, वेल्लोर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट यूवी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके बन रहे, देखिए। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान करिए, मोस्ट यूवे क्वेश्चन दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मार्को पोलो इटली के, ठीक है। आगे महमूद, सॉरी इबन बतूता, इबन बतूता कहाँ के हैं, मार्को के, इबन बतूता मार्को के। वहीं एंटोनियो मोनसेरेट कहाँ के, स्पेन के। और महमूद वली बाल्की कहाँ के, बल्क के, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बताइए दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे कौन थे, बताइए। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, कहाँ के थे, बताइए, कहाँ के थे, तुर्क के थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था, क्या नाम था, संत तुकाराम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, बताइए। अकबर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, मोस्ट यूवी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था, कब हुआ था, कहां हुआ था दोस्तों, मुंबई में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो कृपया करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों एक आपको राइट साइड में बेल आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? कैसा होता है? तापमान परिवर्तन होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ दोस्तों, आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है बोलोमीटर को। नेक्स्ट देख लीजिए। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं चिन्हा के किस भाग में होती हैं? चिन्हा के किस भाग में होती हैं कोशिकाएं खट्टे स्वाद के लिए? पार्श्व में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आंसर दीजिए। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लोहा पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? क्या संस्रावित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, कार्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? जी हाँ दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्या संस्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन संस्रावित करता है। नेक्स्ट देख लीजिए। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा लैटिन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया है। किस डिग्री सेल्सियस के ऊपर पकाया गया है, कितने तापमान पर पकाया गया उसको, जिसका जिसके माध्यम से नहीं हो सकता? तो दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बताइए एंटीबायोटिक क्या है? प्रतिजैविक क्या है? क्या होता है बताइए एंटीबायोटिक? जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन ये। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लगभग सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। एथिल एल्कोहल का आइसोमर है, एथिल एल्कोहल का आइसोमर है कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, डाइमेथिल ईथर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। फैन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? फैन पलवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? सल्फाइड एस के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर से कौन सी लवण का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन सी लवण का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है, क्या नाम है?
फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम, जी हाँ दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, मोस्ट यू आई क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट यू आई क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 19 से मिलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल साथ नहीं जुड़े तो कृपया करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों हम आपको लगातार क्रैश कोर्स करवा रहे हैं RPF, SSC, ठीक है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी के लिए हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। तो सभी लोग जो कहें जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज ये आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, सभी कोर्स यहाँ पर करवाए जा रहे हैं आप लोगों के रेगुलर, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।